हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑफ क्लास एट दीज आर दी एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर टू एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इट मे बी द चैप्टर टू ऑफ अशांत और आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी। मतलब चैप्टर आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंट एंड पावर है, और चैप्टर नंबर कौन सा है ये आप बुक में देख लेंगे। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ अ एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज़ अ पावर। इफ वी आर राइट 2 to the power 4, सो हियर 2 इज़ अ बेस, ओके, एंड 4 इज़ अ एक्सपोनेंट। 4 इज़ अ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट, और इसको बोलते हैं पावर, ओके। इफ वी राइट 2 to the power 4, सो वी कैन राइट इट 2 into 2 into 2 into 2। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, 2 to the 4 to the 8 to the 16। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 to the power 4, दैट विल बी 16। क्लियर एवरीवन? देखिए फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a to the power m इज इक्वल टू, ये एक्चुअली लिखा हुआ है a to the power m एंड a to the power n हुआ, क्योंकि यहाँ पे n होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इफ बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एड। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। सो इफ अगर डिवाइड में लिखे होते हैं तो पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट, सो दिस विल बी a to the power m minus n। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए पावर टू पावर अगर लगा हुआ है, इसका मतलब होगा पावर की मल्टीप्लाई m into n हो जाएगा, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे बेसिस क्या है, डिफरेंट है बट पावर इक्वल है, तो आप इसको लिखेंगे ab to the power m। अगर बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो आप a into b to the power m। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ओके, देख लीजिए ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a to the power 0, देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखा है दिस विल बी 1, 3 to the power 0 लिखा है 1, 4 to the power 0 लिखा है 1, तो यानी क्या होगा, a to the power 0, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए a टू द पावर m, b टू द पावर m, अब देखिए बेसिस डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम, सो वी कैन राइट इट a upon b to the power m, क्योंकि क्या है पावर सेम है बट बेसिस डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 2 into 2 into 2, हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिटन, 2 to the power 5, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन 10 to the power 2 द एक्सपोनेंट इज, तो आपको मैंने बताया था कि 10 to the power 2 दिस इज़ अ एक्सपोनेंट, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इन 10 to the power 2 द बेस इज, तो बेस कौन सा होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 10 to the power -1 इज इक्वल टू, तो x to the power -1 लिखा है, वी कैन राइट इट 1 upon x, सो 10 की पावर -1 लिखा है, सो वी कैन राइट इट 1 upon 10। आई होप सभी को क्वेश्चन